हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे विंटर वेजिटेबल्स के बारे में जिनको अपने गार्डन में काफी इजीली ग्रो कर सकें, बहुत हार्ड ना हो उन्हें ग्रो करना। और इनमें कुछ लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ उनके रूट्स के लिए ग्रो करने वाली वेजिटेबल्स हैं जिनको हम लगभग नवंबर से लेकर के जनवरी तक आराम से अपने गार्डन में ग्रो कर सकें। इन सभी सीड्स को मैंने परचेस किया हुआ है, लोकल मार्केट से ही परचेस किया हुआ है, क्योंकि जो कमर्शियल पैक आते हैं थोड़े से उनके सीड्स की क्वालिटी अच्छी होती है, इसीलिए मैंने कमर्शियल पैक वाले सीड्स परचेज किए हुए हैं लोकल मार्केट से। लेकिन लूज, क्योंकि कमर्शियल पैक जो आते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, खेतों में यूज करने के लिए होते हैं, किसानों के लिए यूज करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके सीड्स की क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर आप ट्राई करें, अगर आपके लोकल मार्केट में कहीं सीड्स की शॉप हो जहाँ पे आप वेजिटेबल्स की सीड्स परचेज कर सके, इजिली हर जगह मिल जाता है, नहीं मिल पाता है तब मैं कुछ लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप क्लिक करके वहां से परचेज कर सकते हैं। मैंने सारे के सारे सीड्स लोकल मार्केट से वहां के कॉमर्शियल पैक को ओपन करवा कर वहां से लूज लेकर के परचेज किया हुआ है। तो फटाफट बात कर लेते हैं ये कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं जिनको आप ग्रो कर सकते हैं। विंटर में आप पालक को ग्रो कर सकते हैं और ये पालक के सीड्स हैं। पालक को इनकी पत्तियों के लिए ग्रो किया जाता है, इनके जूस और सब्जियों के लिए इनको आप ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है इनके सीड्स लगभग नवंबर से लेकर के जनवरी तक, जब भी आपका मन करे, क्योंकि इनमें आपको फ्रूट्स और लेने फ्लावर्स लेने ही नहीं होते हैं, तो आप कभी भी जब भी आपका मन करे आप इनको ग्रो कर लें। लगभग 25 से 30 दिन के बाद आप इनकी बड़े आराम से इनकी पत्तियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। पॉट में थोड़ा सा आपको बड़ा पॉट लेना होगा, जो कि बहुत गहरा ना हो, गहराई से मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जिससे आपके घर के लिए इजीली वहां से पत्तियां आपको मिल सकें। लगभग 5 इंच की गहराई वाला पॉट, जितना बड़ा आपको रिक्वायरमेंट हो उतने बड़े पॉट में आप इनको ग्रो कर सकते हैं। ग्राउंड स्पेस है तो बहुत ही बेस्ट है। आप विंटर में चुगंदर को भी ग्रो कर सकते हैं, ये इनके रूट्स के लिए ग्रो किए जाते हैं, रूट्स में मौजूद जो उनका खाना होता है उसके लिए ग्रो किए जाते हैं। और इनके सीड्स काफी हद तक देखने में पालक की तरह ही लगते हैं, तो इनके सीड्स को भी आप ग्रो कर सकते हैं। इनके भी पॉट को लगभग आप 5 से 8 इंच का रखें, क्योंकि उनमें थोड़ा सा रूट्स मोटी होती हैं, जगह चाहिए होता है इनको ग्रो होने के लिए, तो थोड़ा सा आप पॉट जो है 5 और 8 इंच के बीच का ही रखें। और काफी लूज सॉइल रखें, क्योंकि इनके रूट्स को जिससे उन्हें आराम से फूलने की जगह मिल सके, काफी हार्ड सॉइल चिकनी मिट्टी आप रखेंगे तो उन्हें अच्छे से फूल नहीं पाएंगे, तो लूज सॉइल रखें। इनको भी आप लगभग नवंबर से जनवरी तक बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। विंटर में आप धनियों को भी ग्रो कर सकते हैं, ये धनिया के सीड्स हैं और इनको आप इनके पत्तियों और इनके सीड्स के लिए ग्रो कर सकते हैं। पत्तियों के लिए अगर आपको ग्रो करना है तो आप नवंबर से लेकर के लगभग उधर मार्च अप्रैल मई जून तक बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी सीजन में आप इनको ग्रो कर सकते हैं, बस जून जुलाई में इनको थोड़े से पानी से प्रॉब्लम होती है, इनके तने सड़ने लगते हैं, तो इस महीने में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर आप उनको अरेंज कर सकते हैं कि डायरेक्ट बरसात के नीचे अगर ना रख पाए आप इनको कोई शेड दे सकें, तो आप जून जुलाई में भी इनको ग्रो कर सकते हैं। बाकी पूरे साल आप धनिया को उनकी पत्तियों के लिए बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ग्रो करना थोड़ा सा इतना ट्रिकी होता है कि आपको ग्रो करने से पहले एक रात जो है इनको पहले तो जो इनके सीड्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, हल्का सा रगड़ के किसी चीज से दरदरा कर लें हल्का सा, और उसके बाद इनको एक रात पहले भिगो दें। भिगोने के बाद एक रात तक जब भीग जाए उसके बाद उनके कॉटन के किसी कपड़े में दबा के रख दें एक और रात के लिए, उसके बाद आप इनको जहां भी लगाना है वहां पे लगाएं, बड़े आराम से ग्रो हो जाएंगे। विंटर में आप मूली के सीड्स को भी ग्रो कर सकते हैं, ये प्लांट भी इनकी पत्तियों और इनके रूट्स के लिए ग्रो किया जाता है, तो इनको भी लगभग 5 से 8 इंच वाला ही पॉट लें आप, 8 इंच का हो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी रूट्स लंबी जाती हैं। चुकंदर की रूट्स क्या होती है, वो गोल होती है, छोटी होती है, लेकिन इनकी रूट्स काफी लंबी आती है, तो मिनिमम 8 इंच का ही पॉट आप इनके लिए लें, जो गहराई उसकी, बाकी चौड़ाई जितना भी आपको रिक्वायर हो उतने इंच का पॉट आप ले सकते हैं, ग्राउंड स्पेस है तो बेस्ट है। इनकी सॉइल भी आपको थोड़ी सी भुरभुरी रखनी है, बहुत चिकनी मिट्टी वाली सॉइल में इनके रूट्स काफी अच्छे से फैल नहीं पाएंगे, तो अगर आपके यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो उसमें आप काफी अच्छा अमाउंट सैंड का जरूर मिक्स कर दें। विंटर में आप गाजर को भी इनके सीड्स के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, इनको भी इनकी रूट्स के लिए ग्रो किया जाता है, इनको भी लगभग आप नवंबर दिसंबर जनवरी तक बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। पॉट का साइज जो लें आप गहराई के हिसाब से, लगभग मिनिमम 8 इंच का लें, उससे बड़ा हो उससे कम का ना हो, क्योंकि इनकी भी रूट्स गहराई तक जाती है। पॉटिंग मिक्स जो आप रखें थोड़ा सा भुरभुरा रखें, चिकनी मिट्टी है तो उसमें भी बालू जरूर ऐड कर दें आप। ये सोया के सीड्स हैं, इनको भी आप विंटर में इनकी पत्तियों के लिए, फ्लेवर्ड पत्तियों के लिए ग्रो कर सकते हैं। इनको तरह तरह के वेजिटेबल्स में इनके फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता है, पालक के साथ मिक्स किया जाता है, बैगन के साथ मिक्स किया जाता है, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स में इनकी पत्तियों को मिक्स किया जाता है, तो इनको भी आप सीड्स के थ्रू बड़े आराम से लगभग नवंबर से लेकर फरवरी तक बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं आपके गार्डन में। बहुत गहरा पॉट इनके लिए जरूरी नहीं है, लगभग 5 इंच का पॉट भी मिल जाए अगर आपको गहराई में, तो वो भी आप इनके लिए ले सकते हैं, बस आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना होगा।
ये मेथी के सीड्स हैं जो कि मेरे खुद के हार्वेस्ट किए हुए लास्ट ईयर के। इनको आप इनकी पत्तियों के लिए प्लस इनके सीड्स के लिए ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पत्तियां चाहिए या फिर सीड्स भी चाहिए, तो आप अगर आपके पास गार्डन में कोई ऐसा लोकेशन हो जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में धूप ना आती, फिल्टर्ड सनलाइट आती हो, दिन भर में एक आध घंटे के लिए आ गई उसके बाद फिल्टर्ड सनलाइट आती हो, तो वहां पे आप मेथी को बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ वहां पे मेथी अपने आप को ग्रो कर लेगी और आपको ढेर सारी पत्तियां देती रहेगी। अगर आप पॉट में ग्रो करना चाहते हैं, लगभग 5 इंच का पॉट लें आप, बड़े आराम से उसमें आप इनको इनकी पत्तियों के लिए तो ग्रो कर ही सकते हैं। अगर आपको इनके सीड्स के लिए ग्रो करना है तो इनका प्लांट थोड़ा सा हाइट में बढ़ जाता है, तो थोड़े से आपको बड़े पॉट लेने होंगे। बाकी आप इनके पत्तियों के लिए बड़े आराम से इनको 5 इंच की गहराई वाले पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। विंटर में आप लहसुन को इनके बल्ब के थ्रू बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। आप इनके बल्ब के लिए प्लस इनकी पत्तियों के लिए आप इनको ग्रो कर सकते हैं। लगभग 5 से 8 इंच का पॉट मिल जाए, भुरभुरी मिट्टी मिल जाए, इनको आप विंटर में बड़े आराम से अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ये ऐसे प्लांट हैं जिनको आप इनकी पत्तियों के लिए, जिनको आप इनके रूट्स के लिए बड़े आराम से पूरे विंटर अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। बस आप ख्याल ये रखें कि इनके जो पॉटिंग मिक्स बनाए काफी रिच बनाए, उसमें कंपोस्ट की मात्रा, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर वाली खाद हो, कोई भी कंपोस्ट हो आपके पास जो कि इजिली मिल जाए, अच्छे से डिकम्पोज हुई हो, उसे मिक्स करके अच्छे अमाउंट में लगभग 50% के करीब मिक्स करके अपने पॉटिंग मिक्स बना लें और उसमें इनको ग्रो कर दें। क्योंकि लाइफ टाइम कम होता है तो बहुत ही कम टाइम में इनको अच्छे से ग्रो करना होता है। केमिकल फर्टिलाइजर आपको मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं हुआ आपको इन्हें अपने गार्डन में ग्रो करने का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।